25 दिसंबर का ये दिन पूरा विश्व, पूरा देश क्रिसमस डे के रूप में मना रहा है। प्रभु यीशु के जन्मदिन को क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन चर्च में विशेष सजावट की जाती है। कहा जाता है कि 24 दिसंबर की रात से ही ये पर्व की शुरुआत हो जाती है। हम इस वक्त चर्च में मौजूद है, जयपुर के इस चर्च में मौजूद है, जहां हम बात करेंगे, जानना चाहेंगे, कोशिश करेंगे कि आखिर क्रिसमस को लोग किस रूप में मनाते हैं। हम ऐसा कुछ लेडीज़ मैम, क्रिसमस का पर्व है, किस रूप में मनाया जाता है, क्या क्या तैयारी की जाती है, कैसे मनाते हैं Christmas? Though it is celebrated all around the world, and everybody knows that we are celebrating the birth of Jesus Christ, who came to earth to save all of us. So we make cake and we greet each other. Basically, it's about love and sharing. अब हम कहते हैं कि ये पर्व 12 दिन तक चलता है, 24 की रात से ये शुरू हो जाता है, तो किस तरह की परंपरा होती है? जैसे दिवाली पे लक्ष्मी की पूजा की जाती है, अलग अलग परंपरा है, तो इसमें क्या कुछ अलग किया जाता है, क्या कुछ खास है? हम वर्शिप नहीं करते हैं, हम सिर्फ उसको मेमोराइज करते हैं, उस मोमेंट को से फील करते हैं उस मोमेंट कि जीसस क्राइस्ट जब आए थे इस दुनिया में, और आज तक हम इस बात को याद रखते हैं कि वो आए थे, उनका हमारे लिए सेक्रीफाइस करने आए थे। तो ये एक तरह से कोई पूजा पाठ नहीं है, ये सिर्फ एक मेमोराइज करने का एक मोमेंट है। तरह से क्रिसमस को लेकर खुशी का माहौल होता है, कहते हैं कि एक प्रेयर है, क्योंकि जीजस ही है, यीशु मसीह है जो सर्वे सर्वा है, और उन्होंने इस कायनात को बनाया और उन्होंने नजात दी। आपके सबके धर्म में लिखा हुआ है कि लहू से नजात मिलेगी, और वही नजात हमारे को आनंद जीवन के द्वार पर पहुँचाएगी। लेकिन सेंटा क्लॉज इज नॉट इम्पॉर्टेंट, जीजस इज इम्पॉर्टेंट, यीशु मसीह ही इज इम्पॉर्टेंट है, जिसने पूरे संसार के लोगों को पापों से नजात देके और नजात दहिंदा बना, और उसने चाहा कि सारे जगत के लिए वो अपना बलिदान देके और इस जगत का छुटकारे के लिए वो आया है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं क्रिसमस को किस तरह से मनाया जाता है, क्या कुछ परंपराएं रहती हैं सर, क्रिसमस मनाने की कुछ परंपराएं किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है? व्हाट इज द क्रिसमस, व्हाट इज़ द क्रिसमस? क्रिसमस का मतलब ये होता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह उन्होंने कुर्बानी दी, और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दी कुर्बानी कि जो पापी जो हैं उनके पाप को अपने ऊपर लेकर के वो सूली पर चढ़े। विशेष रूप से बच्चे क्रिसमस को काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं, काफ़ी मनाते हैं। हम और लोगों से बात करते हैं, मैम क्रिसमस को लेकर किस तरह से तैयारी होती है, क्या क्या मनाते हैं, कैसे मनाया जाता है? सच बात तो ये है कि क्रिसमस जो है, यीशु मसीह का जन्म होना इस पूरे संसार के लिए, सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए नहीं, पूरे समस्त जगत के उद्धार के लिए, जो आत्मा का मोक्ष है उसके लिए जन्मा है। इसलिए हम इस खुशी को मनाते हैं, क्योंकि आज हम देखते हैं हर तरफ इतनी सारे लोग अपने आप में डिप्रेशन में परेशान हैं और अकेलापन महसूस करते हैं, लेकिन जब हम जीसस को जान जाते हैं, वो हमारे लिए एक फ्रेंड की तरह है, एक फादर की तरह है, और हम अपने हर बात यीशु मसीह को बोल सकते हैं, तो हमारे को अलोननेस नहीं लगती। कुछ भी प्रॉब्लम आती है, यीशु मसीह हमारे साथ है, और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवा में बातें हैं, लेकिन सचमुच वो हमारी बात को सुनता है। अब हम क्रिसमस पे देखा जाता है, क्रिसमस ट्री का एक अलग महत्व हो जाता है, सेंटा क्लॉज का वो चीज़ उसमें क्या है, वो उसके बारे में बताइए। उसका सच बात ये है कि जीसस के जन्म के साथ क्रिसमस ट्री और सेंटा क्लॉज एक बच्चों के लिए है, बाकी मेन क्रिसमस से रिलेशन नहीं है। क्रिसमस हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म है, वो हम हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस दिन हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह 2000 साल पहले इस मानव जाति के उद्धार के लिए आए हैं, और जो उस पर विश्वास करेगा उसको अनंत जीवन मिलेगा। यीशु मसीह इज़राइल के बैतलहम में पैदा हुए थे 2000 साल पहले, और हम इस चर्च में आके उनकी खुशियां मनाते हैं आनंद के साथ, और ये कि वो हमारे लिए आए, मारे गए और जी उठे और पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने ओर जाके बैठ गए। हम इस समय अपने प्रियजनों से मिलके और आनंद के साथ हम केक काट के और
हमारे जो पकवान है वो डिस्ट्रीब्यूट करते, प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि हम यीशु मसीह हम सब के लिए आए हैं और यीशु मसीह हमारा राजा है, प्रभु है, उद्धारकर्ता है। सर एक चीज़ है कि सेंटा क्लोज भी क्रिसमस पे, उसकी क्या पहचान है? सेंटा क्लोज का भी वो आता है जो बच्चों को काफ़ी प्रिय होता है। सेंटा क्लोज जो है एक जो थे सेंट निकोलस थे जो यूरोप में थे और वो एज अ प्रीस्ट थे, वो बच्चों को प्रेजेंट बांटते थे। और जो सेंटा क्लॉज है अब आजकल देखा गया कि सब रेड और वाइट कलर के जो ड्रेस पहनते हैं सेंटा क्लॉज की, वो सेलिब्रेट करते हैं। सेंटा क्लॉज और यीशु मसीह का जो बर्थ है ऐसा कुछ सिंबॉलिक नहीं है, बेसिकली जस्ट सेलिब्रेशन है। बच्चों को इंटरेस्ट आता है उसमें, ये सेलिब्रेट करने में, यही है। आप किस तरह से बनाने वाले हैं क्रिसमस? देखिए क्रिसमस तो अभी पूरे वीक चलेगा, हम अपने प्रियजनों से मिलेंगे, गिफ्ट्स एक्सचेंज करेंगे और पकवान जाएंगे, सबके घर मिल के जाते हैं, पर्सनली मिल के जाते हैं और बड़ा ही हर्ष और उल्लास से ये हम फेस्टिवल मना, जैसे कि अभी चर्च में है, वर्शिप अटेंड करी है हमने, प्रभु की महिमा करी है, प्रभु की स्तुति करी है, हमने उनका धन्यवाद दिया है कि वो हमारे लिए इस धरती पर आया और हम सबसे मिलते हैं। हम मतलब पूरे वीक हमें मतलब बड़ा ही मज़ा आता है और एकदम अच्छी तरह हम ये फेस्टिवल मनाते हैं। मैम कहते हैं कि ये 12 दिन तक चलने वाला पर्व है, 24 की रात से इसकी शुरुआत हो जाती है, तो किस किस तरह से ये पर्व चलता है, डेली क्या कुछ होता है? जी हाँ, मेन तो यही है, प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म हुआ था, मैं यही चाहूँगी कि वो इस दुनिया में हमारे उद्धार के लिए आए थे। क्रिसमस मनाना, नए कपड़े पहनना, दिस इज़ अ गुड थिंग, हर फेस्टिवल में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन जो उनकी टीचिंग्स थी उसको फॉलो, दिस इज़ द मेन क्रिसमस। हमारे पास इस वक्त चर्च के फादर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, बात करते हैं कि क्रिसमस किस तरह से मनाया जाता है, 12 दिन तक चलने वाला ये पर्व किस रूप में खास होता है। फादर, 12 दिन का ही क्रिसमस का पर्व है, किस रूप में मनाया जाता है, क्या क्या कहना? क्रिसमस का जो पर्व है बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस के पूर्व जो पूरा जो महीना होता है ये प्रभु यीशु मसीह के आमद के माह के रूप में जाना जाता है और इस पूरे माह के अंदर क्रिस्ट जयंती पर्व सेलिब्रेट करने से पहले घरों के अंदर जाते हैं, कैरल्स को गाते हैं और प्रभु के नाम की महिमा करते हैं। आज सुबह 10 बजे प्रातःकाल आराधना थी जिसके अंदर हमने प्रभु यीशु मसीह की आराधना की, गीतों को गाकर, और ख़ास तौर से हमने अपने देश के लिए, देश की शांति के लिए, देश की एकता के लिए, देश के अंदर मेल मोहब्बत बने और आतंकवाद ख़त्म हो और ये देश तरक्की की राह पर आगे बढ़े, इसके लिए खास दुआएं आज की सुबह की गई हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ा ही खुशनुमा मौसम, ये समय है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, तो हमारी भी समस्त लोगों को, प्रदेशवासियों को क्रिस्ट जयंती की या बड़े दिन की शुभकामनाएं हैं। आज तो आज का दिन बहुत खास है क्योंकि जगत में हमारा यीशु पैदा हुआ और उसके पैदा होने से जगत में ज्योति आई और ज्योति अंधकार से छुटकारा देने के लिए आई, ये सारे गमों को, दुखों को वो उसने अपने आप पे हर लिया था। इसलिए ये त्यौहार हम भाईचारे के रूप में मनाते हैं, प्रेम, और हम सारी सोसाइटी जो हमारी है वो सब एक भाई के, भाईचारे के रूप में प्रेम और मोहब्बत में बांध के रखती है, इसलिए हम ये त्यौहार मनाते हैं। वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज गुड, वी डोंट थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज बैड, बिकॉज इट्स क्रिसमस एंड इट्स गॉड्स बर्थडे व्हिच इज फॉर अस, ही इज अ गॉड, जीसस हैज बीन प्रोटेक्टिंग अस सिंस वी हैव लिव्ड, सो वी शुड सेलिब्रेट एंड एंजॉय। तो क्रिसमस विशेष रूप से यीशु के जन्मदिन का ये पर्व है जिसको पूरा देश, पूरा विश्व सेलिब्रेट करता है, एक आनंद का ये पर्व है, खुशी का पर्व है, जहाँ विशेष रूप से बच्चे सेंटा क्लॉज को लेकर उत्साहित दिखाई देते हैं, गिफ्ट बांटे जाते हैं और एक शांति का संदेश पूरे देश को, विश्व को दिया जाता है। कैमरामैन धर्मेंद्र प्रजापत के साथ मैं विपुल माहेश्वरी, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।